सब ये एक बड़ा कांग्रेस पार्टी के लिए और हिंदुस्तान के लिए बड़ी साजदार एक घड़ी है, एक मौका है। और जैसे मैंने पहले कहा कि ये राहुल जी के लिए कोई इनाम नहीं है, ये तो उनके लिए एक इम्तिहान है। और हम दुआगो हैं कांग्रेस के लोग कि राहुल साहब इस इम्तिहान में कामयाब हों और हिंदुस्तान को एक सुपर पावर बनाना है। और कांग्रेस पार्टी की सोच जो है, इस सोच में कोई खोट नहीं है। अंग्रेज़ को भी यहाँ से जाना पड़ा तो उसकी वजह कांग्रेस पार्टी की सोच थी। और आज भी हम ये यहाँ से अज़म करके चले हैं कि इस देश में से रिश्वत, गुर्बत, अनपढ़ता, बेरोज़गारी, नशाखोरी, वतन दुश्मन कार्रवाइयाँ ख़त्म करने के लिए हम राहुल साहब के साथ कंधे से कंधा लगा के चलेंगे। राजनीति करनी है राहुल गांधी साहब के हवाले से करनी है, राहुल गांधी के नाम को कभी आंच नहीं आने देंगे। और जिस तरह किसी उर्दू के कवि ने लिखा है कि इम्तिहान की घड़ी आन पड़ी है तो कोई फिक्र नहीं, हमने 100 बार जमाने के भरम को तोड़ा है, ये भरम तोड़ेंगे। और 2019 में एक बार फिर कांग्रेस का जो तिरंगा झंडा है वो देश में लेके आएंगे। और इसके लिए हम दिन रात मेहनत करके कांग्रेस पार्टी को हमने आगे लाना है। धन्यवाद धन्यवाद सर।